24/7 without a single break for over 2 weeks now. People have been braving the biting cold and protesting against both the Citizenship Amendment Act as well as the NRC. These are women of this locality. They have been also in a way managing their household work. Some of them also work, so they have been managing all of that, replacing each other, taking turns to come and come for the protest. कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग, खास करके महिलाएं, यहाँ से हिल नहीं रहे हैं. क्या वजह है उसकी? यहाँ ये हिंदुस्तान के उसके कौम को ये बचाने के लिए है. ये सिर्फ हम अपने लिए नहीं खड़े हुए हैं, क्योंकि सचर कमेटी का ये है कि उसमें मुसलमान जो है 2% 2.5% पढ़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जो इंटीरियर में है उनके पास दस्तावेज़ नहीं होंगे, उनके पास तो वो ज़्यादातर जाएंगे. उसके बाद दलित को ये करेंगे, दलित का वही हाल करेंगे, फिर उनको मंदिर से उनको ये निकालेंगे. हम उन दलित के लिए, वो हिंदू के लिए, वो ईसाई के लिए, वो सिख के लिए, उनके लिए हम खड़े हुए हैं. दिस पीपल आर प्रोटेस्टिंग टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सो देयर फर्स्ट डिमांड इज टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन. Government has changed NRC into NPR. This is only the way they are making people fool. If he is saying Muslims should not fear about them, if they are saying we'll give citizenship to the people of other countries, then why they are asking our citizenship? Why they are asking to fill the forms? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी बात समझ ही नहीं आ रही है कि उनकी आज बेटियां सड़कों पर क्यों आ गई हैं. हम उन्हें कितनी बार बोल चुके हैं कि हमारी बातें सुने, हमारी बातों पर गौर करें. हिंदू धर्म में नारी को शक्ति का रूप देखा जाता है, तो मुसलमान धर्म में भी जो नारियां हैं वो शक्ति का ही रूप है. अगर वहाँ पे काली है, दुर्गा माँ है, लक्ष्मी माँ है, तो यहाँ पर भी बीबी फातिमा है. ऐसा ना हो कि देश हम नारियां संभालने पे आ जाएं. जब हम सड़कों पे आ सकते हैं तो देश भी संभालना जान सकते हैं. इंदिरा गांधी जी ने भी देश संभाला था, रानी लक्ष्मीबाई ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो आज हम उन्हीं बहनों में से एक हैं. हो सकता है हम रानी लक्ष्मीबाई ना हो, लेकिन उन पूर्वजों का खून हमारे अंदर है. वो खुद कह रहे हैं कि हम अफवाहों में ना आए, हम किसी की ना सुने. मैं बताना चाहूँगी, हम सिर्फ मोदी जी को और अमित शाह जी को ही सुन रहे हैं. उनके स्टेटमेंट इक्वल नहीं हैं, और हम तभी उनकी ही बातें हम समझ रहे हैं और तभी हम आवाज़ अपनी उठा रहे हैं. हमारी डिमांड यही है, जब तक NRC और CAA नहीं वापस लिया जाएगा, हम लोग नहीं उठेंगे, चाहे ये लड़ाई हमारी सालों चले.